सत्ता और प्रशासन का अहम केंद्र सचिवालय ही एनजीटी और पर्यावरण मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है। हालांकि अब कार्मिक विभाग ने इस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया है और इसके लिए यहां ग्रीन प्रोजेक्ट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जिससे खराब या प्रदूषित पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सके। देखिए एक रिपोर्ट। सचिवालय सत्ता और प्रशासन का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन ये केंद्र एनजीटी और पर्यावरण के मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। ऐसे में अब यहाँ वेस्ट वाटर के बेहतर इस्तेमाल के लिए जल्द ही एसटीपी प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा। इसके लिए 3 कंपनियां अपना प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। उच्च स्तर पर निर्णय के बाद जल्द इसका काम शुरू होने की संभावना है। दरअसल जैसे सचिवालय में ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है, वैसे ही वन विभाग डियर पार्क के पास भी प्लांट की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि अगर वन विभाग मान जाए तो संयुक्त रूप से एसटीपी लगाया जाए, ताकि कम खर्च में ज्यादा लाभ लिया जा सके। सचिवालय में 200 से 300 केएलडी प्लांट की जरूरत बताई जा रही है। इससे प्रदूषित जल ट्रीट किया जाएगा, जिससे इसका बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए कंपनियां कार्मिक विभाग को एसडीआर, एमबीआर और फाइटो रिमेडियल टाइप के सीवरेज प्लांट का प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। इनमें से कम खर्चीले और जीरो मेंटेनेंस वाले प्लांट के प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिस पर 2.75 करोड़ से 3 करोड़ तक का खर्च हो सकता है। ऐसे में कार्मिक विभाग वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से प्लांट लगाने की जुगत में है, ताकि खर्चा कम आए। अभी तक ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत सचिवालय में दिव्यांगों के लिए पीली टाइल्स लगाई गई हैं, नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में संकेतक लगाए गए हैं, आगंतुकों के लिए सचिवालय के कक्षों का मैप लगाया गया है, ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें कहां जाना है, वहां का रास्ता किधर से है। बैडमिंटन कोर्ट और ओपन जिम बनाई गई है। ग्रीनरी बढ़ाने के लिए जगह जगह गमले लगाए गए हैं। 115 जगहों पर पौधे रोपे गए हैं। एयर कूलिंग के लिए नई मशीन लगाई गई है, जिससे बिजली खपत में 70% तक कमी आए। तो सभी कक्षों में एलईडी लगाने का काम भी किया जा रहा है। कार्मिक विभाग का लक्ष्य है कि ग्रीन बिल्डिंग के तहत सिल्वर रेटिंग लगाई जा सके। इसके लिए 250 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए बाजार में दरें ली जा रही हैं, साथ ही रील कंपनी से अंडरटेकिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है। हालांकि ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत बजट कम है, मगर विभाग किफायती काम करके एनजीटी के मापदंडों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।